साड़ी बेटी जैसमीन थियाड़ा जिथे भी आवाज सुनती है वह भी मैदान दे विच आवे, क्योंकि इस परिवार की कल्ले पंजाब दे विच ही नहीं सारे वर्ल्ड विच खेडां नूं देण है। मेरे बिल्कुल नजदीक साहब महिंदर सिंह जी थियाड़ा साहब इस वेले माण महसूस कर रहे हैं कि उन्हां दा इह लाडला पुत्तर शब्बा थियाड़ा है जिन्हां दा मान सम्मान होण जा रहा है। कैलीफोर्निया के यूबा सिटी के सारे बेनती है भी ताड़ियां मार के इस नौजवान की हौसला अफजाई की जाए। तो नाल ही माता जी मोहन कौर जी थियाड़ा जिन्होंने माण हासिल है कि इस वेले जिन्हों का पुत भी नूह भी उन्हों का मान सम्मान किया जा रहा। जो मैं बखशिंदर भैन पूछया कि तुहाडा पेका पिंड कहड़ा है, कहिंदे मेरा पिंड जिहड़ा पेका पिंड है वह कुक्कड़ पिंड है। मैं कहा बड़ा मशहूर है केवल सिंह कुक्कड़ पिंडिया बड़ा मशहूर उत्थों का इंसान होया जिन्हें देशों विदेशों में बहुत नौजवानों को भेजे है। सो अज सा महेंद्र सिंह थियाड़ा ते माता मोहन कौर दे इस लाडली नौ पुत्र का मान सम्मान किया जा रहा है। सो साडियां शुभ दुआवां परमात्मा लंबी उम्र करे ते बल बख्शे। छब्बा जी ऐसे तरह ही कहिंदे हुंदे है कि जित दे निशान सदा लाए जांदे झंडे नाल। जदों इंसान नूं उसकी पत्नी का जिहड़ा साथ होवे और माता ते पिता का आशीर्वाद होवे ते उह दुनिया दे विच बंदा फिर उड़दा उड़ता बंदा है। जे साथ नहीं हैगा तो बंदे दे पर कट्टे जांदे है। आओ दुआवां दईए एक परिवार इस सहयोग नाल। भैन बखशिंदर जी इसे तरह ही तुसीं इहनां दा साथ जिहड़ा खेडां दे खेत्र विच कदी इहनां नूं टोकणा नहीं ना तुसीं टोकिया, क्योंकि दुनिया ने तुहानूं वेव कबड्डी लीग विच जदों माइक उहदे टीवी ते देखिया है एक एग्जाम्पल बनी है कि भाई आ ते थियाड़ा दो भैणां रल के जिहड़ियां उहदे विच जिहड़ियां प्रमोटर बणियां ने। सो ताड़ियां मार के अगले साल थियाड़ा साहब कहिंदे भी रॉयल किंग्स की टीम के लिए असीं होर भी वधिया जतन करांगे। तो उधर जगतार धनौले का भी धन्यवाद है सारे पुलिस मुलाजमान सारे इंसानों का जो देशा विदेशों तो इतने पुजे ने। सो हुण असीं बेनती कर एक तरीक नूं खुला अखाड़ा है लगना है और जिहदे विच दुनिया के नामवर गायक जिहड़ा है वह हिस्सा लैणगे। तो सारिआं नूं बेनती है कि आपां उहदे विच भी शामिल होना है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दुआ है, गुड लक। हाँ सारे नगर वालों इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस नगर के आप जमे आ पले है वो ये शुभ दुआ है नगर वासियों की इस परिवार लिए। इस परिवार का भी वादा है कि इस नगर के हर खेत्र तरक्की के खेत्र में योगदान पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हुण आपां खेड कबड्डी की गल करिए। दोनों टीम इस वेले मैदान के ने 1000 रुपया सतविंदर पाल सिंह जी ढट साहब उन्होंने मेजर हिंदुस्तानी वास्ते भेजे है, उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार कुलदीप सिंह जी साढ़े गढ़ी अजीत सिंह वाले फ्रिजन वाले वह भी साढ़े विचकार विशेष तौर पर प्रिंसीपल स्वर्ण सिंह जी उन्होंने सुरजीत सिंह उन्होंने विशेष तौर पर पुजे क्योंकि शब्बा थियाड़ा के बहुत ही परम प्रिय मित्र ने। असं उन्होंने भी हार्दिक स्वागत करते हैं। सो आओ हम फाइनल दोनों टीम है कुछ पल पानी कृपा करके ग्राउंड में भिजवा दौ। मैं रवि नूं बेनती करदा जिथे भी सेठी मेरी आवाज सुनदा होवे कृपा करके ग्राउंड में पानी भिजवा दौ। एक पासे मीरी पीरी कबड्डी क्लब और दूसरे पासे वेखदा भी अज राजपुर भाइयों के जसवंत बंत का बेटा है बंटी किन्ने जफे लाउंदा है। लै भी बंटी मैं मक्खण अली नूं आख्या है भी हुण जदों मैं अज बंटी का शरीर देखिया तो मेरा मन खुश होया भी हुण शरीर में पूरी जान भी आ गई है, लोहे वर्गा शरीर बन गया है, हुण दुनिया में यह नाम जिहड़ा होर चमकूगा। आओ हुण फाइनल मैच की तैयारी हो चुकी है और एक एक कबड्डी जिहड़ी लख लख की कबड्डी पैण वाली गल मैदान दे विच होनी है। सो मैं बेनती करदा धामी साहब ते अमरजीत सिंह उहनां नूं कि उह इक लंबी जी विसल मार के इन्हां नौजवानां नूं आमणे सामणे आउण लई कहण कि पेड़ साना वाले हो बणगे खड़ के वेखो कुल जमाना कप ओयो जितणगे जिन्हां दे डौलिया पट्टा बजाना है। 365 कबड्डी 365.com वाले प्रदीप सिंह जी भी साडे विचकार पुजे है। इस समय सारा जगत जिहड़ा कबड्डी नाल प्यार करता है इंटरनेट ते इस कबड्डी दे दृश्य नूं वेख रहा होवेगा कि हरखोवाल दे विच अज माखिट कबड्डी दा एक कबड्डी कप करवाया जा रहा है। प्रदीप जी तुहानूं भी बहुत बहुत जी आया नूं बहुत बहुत जी आया नूं। साडे मनोहर सिंह जी कबड्डी दे बहुत ही तगड़े खिडारी कबड्डी प्रमोटर गुरु गोबिंद सिंह गोल्ड कबड्डी कप का इतिहास जिहड़ा वखरा रहा है उस स्टेडियम दे विच माण वाली गल है। सो लो हुण मैदान दे विच वेखणा भी सामरजीत सिंह जी कि टीम ने जिहड़ी टॉस जीती है। तामी साहब टॉस हो गई है। चढ़दी कला कबड्डी क्लब ने चॉइस की अमरजीत सिंह जी
और रेड की चॉइस की है तो वेखदा भी पहली कबड्डी पौड़ी बिल्कुल हंदिया के नजदीक आ चुका है। वडाला माही का एक कुलप्रीत सिंह मत्था टेक रहा है, हल्की हल्की वार्मिंग अप हो रही है कि जे खेड कबड्डी खेडनी हो जोर जरूरी है, टोल अगे जे नचना हो जरूरी है, जे सप्पा संग रहना हो जोग जरूरी है, मरिया भावे दुश्मन हो सोग जरूरी है, वतना वाली मिट्टी का सत्कार जरूरी है, जिंदगी विच जित कदे कदे हार जरूरी है। ये हारा भी जिता वाले पासे नूं प्रेरित कर दी है और इंसान नूं सही स्थान पर रख दी है। आओ हुण वेखदे भी किहनूं जित नसीब हुंदी है ते किहनूं जित नसीब नहीं हुंदी। लो पहली कबड्डी पाउण लई एक बार ताड़ियां मार के जोश लईए। कुलप्रीत सिंह चढ़दी बरेह दा सोहणा सुनखा जिहा है, गभरू कबड्डी पाउण लई तैयार है। चलो गभरू आपां आओ कबड्डी वेखदा भी समय अमन थिगली वाला है। जाकर कहते होंगे भी माणक कौन गबरू इस गबरू की रेड़ के उपर जफा लाऊगा, ये तो समा तय करेगा कि उड़ते पंछी वो वाह गबरू बाज वग उड़ता है ये नौजवान जो हाथ ला के फिर पता लगता है भी ये कुलप्रीत सिंह है वडाले माही का। आ भी गबरूआ अगली कबड्डी पा मैदान उधर सीता पत्तड़ गुरदेव बोला कबड्डी का बहुत तकड़ा कबड्डी खिडारी होया है और उसनू बोला पत्तड़ा वाला कहते उत्थे दा सीता पत्तड़ इस वे मैदान देखो सामने मसा कहते होंगे भी पांच फुट पांच छे इंच मसा कद होना इस नौजवान का, पर दिल जिहड़ा शेर जिहड़ा है देखो किड्डे पहाड़ जिहड़े गभरू नाल मत्था लाउंदा होया नौजवान। वाह जी वाह आ भी मैरी पुरिया भी चल भी नौजवान अगली कबड्डी पा। उधर पासे काला मियां विंडी है धरती मां नू मत्था टेक रहा है। उधर अवतार सिंह जी जज साहब पूरे खुश ने। 15 तरीक फरवरी की फगलाने के कबड्डी कप की है, पहली तरीक न आदमपुर 3 तरीक जंडियाई समराला है, तो फिर कहते होंगे भी 15 तरीक फगलाने का कबड्डी कप लाओ। इधर पासे अमन थिगली वाला आओ नहीं रिश्ता कोई गल नहीं कोई गल नहीं कोई गल नहीं, बंदा जोश में होंदा है यहोजा कई बार हो जाता है जो इस करके जाल के फौल नहीं मारना है। भरा बड़े ने निम्मे ने बहुत तकड़ी कबड्डी खेली है, वह छोटा वीर इस वेले काला मियां मिंडिया है इंटरनेशनल स्टार खिलाड़ी है और पाई हुई नौजवान की रेड अज वेखदा भी गुरजीत पुरेवाल वाली रेड या शिंदे परामिया वाली रेड या जफा जिहड़ा कौन लाउंदा है। उधर निजर साहब एक बहुत सुनेहा लैके जाणगे अमेरिका दे विच कि बड़ा आनंद आया पंजाब दे विच इन्हां कबड्डी कप्पां नूं वेख के, क्योंकि उन्हां दी कबड्डी नूं बहुत वड्डी देण है। सलमा कबड्डी स्पोर्ट्स क्लब जिहड़ी है फ्रिजनो की बड़ी मशहूर है, शहीद भगत सिंह कबड्डी क्लब फ्रिजनो जो दोनों रल के फिर फ्रिजनो के कबड्डी कप होता है दुनिया के महान योधे खिलाड़ी पुद्दे ने। आया नौजवान पिंदर चमियारे वाला जिस छोटे जे जाफी की गल की है आओ देखो सामने मैं लगता है और निकल गया हत्था मिचो बई स्वाद आजगा ए वाह भी वाह उड़ गया उड़ गया। देख उधले पासे निजर साहब ने भी ताड़ियां मारियां, गुरजीत सिंह पुरेवाल भी ताड़ियां मारे, शब्बा थ्याड़ा भी खुश है, दलवीर सिंह गिल साहब भी खुश ने और एक एक जिहड़ा जोधा है नौजवान कबड्डी नूं प्रेम करन वाला है। आया बलवान वल दा वान जिवें रथ नूं चलाउण वाला रथवान हुंदा है, आ छोटे जे काटा गोरे ने छो रंग दा है मसाई 21-22 साल की उम्र होनी है बलवान जिन्हों प्यार ना बाना आखदे है। एक पाना भी कबड्डी खिडारी होया है एक आ बाना है जिहड़ा नौजवान मैदान दे विच देखो किन्ना मशहूर नाम हो गया है मखण सिंह धालीवाल का यह चंडिया होया खिडारी। लो अगली सुरजीत सिंह जी इधरले पासे वेखियो सामने मैदान दे विच इस गभरू की पाई हुई कबड्डी। उधर जूनियर थ्याड़ा है नाल हरमन जैसमीन प्यारे जे बच्चे वह भी अपने माता पिता के दादा दादी विशेष तौर से पंजाब की धरती पुजे हुए हैं, उन्होंने भी शुभ दुआवां है। लो दूसरे पासे वेखो इस गभरू की पई हुई कबड्डी उड़ चले है कि औखे रोकने तूफान पानी नेरियां औखे रोकने खिडारी साना वर्गे औखा कुछ नहीं प्रीत पुट्टे वाले बंदा चाहे तो हिलाके जग तर दे औखे रुकने तूफान पानी नेरियां बहुत सोहना पड़ लगे। वापस नौजवान लै भी कुलप्रीत सिंह जरा मुड़ के दसी भी नौजवान इस वेले तेरी उम्र किन्नी है पुत्र 24 साल की उम्र है इस नौजवान की, जो 21 साल की उम्र होंगी ना हुसन सुलखना आने लग पैंदा है जामे में ताकत नहीं समावदी ते मुगदरां नूं ठेडे मारदा फिरदा है क्योंकि जोश जवानी का होंदा है। लो इधरे पासो अगली कबड्डी वेखो इस नौजवान गभरू की गुरिंदर यह है धालीवाल धालीवाल बेड़ का गुरिंदर सिंह गुरइंदर सिंह नहीं रिशा इस वेले नौजवान पंजाब के कहते होंगे भी बहुत ही चोणवे रेडर में है गुरजीत सिंह जी शब्बा थ्याड़ा जी देखो इधर निजर साहब क्या बात है उधर खुला खड़ा होगा उधर रवि हरखो वालिया होगा
मोटरसाइकिल भी कहते हैं भी दिता जाना छब्बे दिहाड़े पहलो किधर लिया रवि किधरले पासे भी रूबी लभ के लिया मैं नौजवान रवि इस वेले किधरले पासे है आया रवि रवि दिनकर भी तेन कहते हैं रामधारी भी कहते हैं सूरज भी कहते कि मैं सूरज हूं जिंदगी की रमुख छोड़ जाऊंगा मैं डूब भी गया तो छपक छोड़ जाऊंगा सूरज कहता जे मैं डूब भी गया तो लाली छड़ जावगा तेरा वो दिन जिंदगी दे विच भागा वाला होगा लो इधर नौजवान का मोटरसाइकिल दे मान सम्मान होगा जिंदा बहादुर रवि गबरुआ अगली कबड्डी पाउनी वेखो सामने मैदान दे विच छे फुट तो उपर कद है जदों कहते भी मेहर दिन अखाड़े में आता सी ते बुजुर्ग दसदे सी अपने बच्चे नूं आ मेहर है आ मेरा पहलवान मेर रब दी होवे जे मेर दी ना फिर आड़ के बंदा पहलवान बनता है देखो मेर दी दे कद जिहड़ा कद इस नौजवान दा है इस वेले मैदान दे विच कबड्डी पा रहा है ये रेशम जामा राय पिंड का यह नौजवान जंपल रेशम क्या बात है रेशम बड़ा प्यारा नाम है एक रेशम इंग्लैंड कबड्डी फेडरेशन के भी उन्होंने योगदान रहा है और इस नौजवान ने बहुत सारे कबड्डी कपा के उपर बड़े नाम ने खटे है लो पिंदर फिर सीतिया वेख तेरा भाणजा कबड्डी पाउण जा रहा पत्थड़ आओ देख पिंदर आया उड़ना है पिंदर फ्लाइंग पिंदर दुनिया का महान भाई कबा है उधर माणक ने ठिबी ला के छुटने की कोशिश की है पर नौजवान साढ़े वीर अंपायर साहब धामी साहब फैसला करते हुए यह पॉइंट पिंदर का यह पॉइंट चढ़ती कला कबड्डी क्लब का किने किने डंड मारे किने किने बैठका किने किने खादिया ने घ्यो दी चोरी है के पट्टा अच मोर पहला पाओ मोटे ते बटू अच शेर के घूरी है ये टैटू बनाए ने नौजवान ने पुराने समय में बजुर्ग मोर नहीं पोया करते सन आओ काला मियां मीडिया चलिया सामला दे सामता नौजवान मैदान कबड्डी कबड्डी होया पे रखा हो तौड़ते दबाती हुई कहती आ गए हंधे तूड़ उभरी पई है आओ लंबी जी वाह करके नौजवान ने हथ ला दता है यह है मनप्रीत भेटा वाला वाह गबरुआ बहुत ही प्यारा खिडारी है बहुत सोहनी कोशिश की है जिमें काले ने बड़ा जोरदार संघर्ष किया है हुण वेखदे भी इस गभरू ना दो हथ कौन करदा कुंडियां दे सिंग फसण वाली गल कौन दिखाउंदा है सुखदर्शन सिंह जी चहल साहब होना ने कलम नहीं चुकी क्योंकि वह कली कली गल नोट कर रहे हैं जो बैठ के कागज चित होके फिर कलम दे नाल वास सदनगे रेखा चित्र के नौजवान कुलप्रीत ने हरखोवाल की कबड्डी कप में किवें कबड्डियां पाईया है लो मैदान दे विच वाह गभरूआ नहीं रिस है उधरले पासे जे एक पासे सोहना ते सनखा है ते दूसरे पासे भी बलबान बाना गुरजीत सिंह कहते हैं भी इस नौजवान की कंड विच किन्नी ताकत है बेकबड्डी लीग दे विच थल्ले आया हुआ है जाफी दे लगता नहीं सी भी निकल जाएगा पर इस नौजवान ने एहो जिहा जाफी नूं थल्ले आए पैहो ने उलार के सिटे है पर दुनिया तंग रह गई भी नौजवान के शरीर में जान भी बितों बारी है उधर कमिकर सिंह जी खुश सारे कोच साहब खुश सारे का बहुत बहुत धन्यवाद और पहली तरीक नूं खुला अखाड़ा लगना है सो वो भी तरीक जी है तुसीं चेते रखनी है सो ये फाइनल मैच है कुछ पल बाद मैच जो समाप्त होगा फिर इनामों की वंड होगी एक लाख रुपया जितने वाली टीम नो 71,000 रुपया जिहड़ा है सैकंड प्लेस से रहने वाली टीम नो ढट साहब मैं लगता भी जा रहे ने मैं पूछा ढट साहब थोड़ा जा लेट हो गए कहते बादल साहब आए हुए सी बड़ी बादल साहब इस करके थोड़ा जा देरी हो गई मजबूरियां ने सो सो महान लीडर दी जुगा जुगा तो करन पंजाबी प्यार कबड्डी नो जो सुखवीर ने बख्शा है सत्कार कबड्डी नो बड़ा मान बख्शा सरकार ने पर जिहड़ा इस नूं सिंजे है अपने पसीने नाल दिशा विदिशा विच बसदे रहे और फिर अखीर ते कहिंदे उहनूं दुनिया दे नक्शे कदम दे उपर बादल सरकार ने बहुत बड़े जतन करके इस कबड्डी दा नां रोशन कीता अज दुनिया दा हर मुल्क जिहड़ा है उहदे विच चर्चा कबड्डी दी लो जिवें अज इस गबरू दी चर्चा होवेगी मैदान दे विच के इस नौजवान दी पाई होई रेड दे उपर कौन गुट फड़दा कौन लत्ती लगदा है कौन रूपो वाली आ जिंदा लाउंदा है कौन कहिंदे हुंदे भी जिवें कहिंदे हुंदे मालवे विच जाइए ते गड्डी फिरोजपुर जाणो कौन रोकदा है कौन लाउंदा चक्कर चुंडा है इह ते समां दसेगा वाह मैरीपुरिया नहीं रिस है अगली कबड्डी उधर सांदरे वाला दीपा आखदा तारी खीना वाली नो के सीते नू कन्नी ते होण दे और बेद बना लो नौजवान इस तरीके ना इस मुंडे ने रुके आना उधर सुखां दा सुनेहा लैके पंछी भी जलंधर वाले पासे नू चल पे है मीडिया भी गल मीडिया दे घर तो करेगा लो गुरिंदर देखो सामने मैदान दे विच पुख लैण वाली गल है वाह वी वाह डबल टच जो वेत बनाई सी ना
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਫਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਫਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾ ਜਫਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਜੀਤੀ ਤੇ ਟਹਿਲਾ ਸੰਧਵਾ 5 ਸਾਲ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਖੇਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਡਬਲ ਟੱਚ ਕਰਾਇਆ ਇਨੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅੱਛੀ ਸੀ ਲਓ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਫੀਆਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਅਮਨ ਥਿਗਲੀ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜਦ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ ਗੱਭਰੂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਾਲੇ ਹੈਗੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਕਹਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਢਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਬੜਕ ਮਾਰਨੀ ਸੌਖੀ ਪਰ ਪਗਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਯਾਰੋ ਕਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਯਾਰੋ ਕਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਘਰ ਲਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕੋਚ ਦੀ ਅੰਡਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 100-100 ਸੁੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸੁੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਚਾਰ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਚੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਗੱਭਰੂ ਅੱਜ ਹਰਖੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲਓ ਵੇਖਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਵਡਾਲੇ ਮਾਹੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਫੀ ਰੀਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰਖੋਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਕ ਛਿਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਣਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਓ ਉਧਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਧ ਵਰਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾ ਜੇ ਪੈ ਜਾਏ ਪੁੱਠੀ ਕੈਂਚੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਸੂਤੀ ਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲਾ ਮੀਆਂ ਵਿੰਡੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆ ਕਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਧਰ ਸੋਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੋਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਖੇਡਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਲਓ ਇਧਰੀ ਪਾਸੇ ਮੈਰੀਪੁਰੀਆ ਪਾਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਬੰਨ ਹੈ ਗੱਭਰੂਆ ਕਬੱਡੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 5-7 ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਣਗੇ 10 ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਣਗੇ 11 ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਣਗੇ 12 ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਣਗੇ 13 ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਣਗੇ 14 15 ਲਓ 16 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲਓ ਲਗਭਗ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਆਡ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਦਨ ਜੀ ਧਰਤੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਗੇਮਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 71 ਤੇ 100,000 ਦੇ 30,000 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਇਸ ਦੇ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ 30,000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਕਦੀ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਲਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੱਫਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਹੈ ਲੱਖਾ ਕੋਠੇ ਜੱਟਾ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਆਓ ਗੁਰਿੰਦਰਾ ਕਿ ਨੱਚਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਗਾ ਟੋਲਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਜਿੱਦ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜੌਹਰ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਣ ਮਿੱਤਰੋ ਕੌਡੀ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਰੋ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕਬੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਰਤਾਜ ਕਬੱਡੀ ਚਾਬੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਓ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਵਚਨ ਜੀ ਲਓ ਇਹ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿੱਕੂ ਜੀ ਫੜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲਓ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਵੇਖੋ ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਮਰਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ 365.com ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪੈ ਗਿਆ ਪਟਾਕਾ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਛੱਡਦੇ ਛੋਟਿਆਂ ਵੀਰਿਆ ਕਰਨੀ ਰਿਸ਼ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਹ ਦੇਖ ਪਟਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੱਖਣ ਅਲੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਲੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਲਓ ਦੇਖੋ ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੁਲਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਮਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ ਰਾਜ ਪਿੰਡ ਹੈ
रेशम सिंह 6 फुट 1 इंच के करीब कद है, इस नौजवान का मान वाली गल है, और जोरदार शरीर, जोरदार कबड्डी खिडारी, उधले पीरी पीरी कबड्डी क्लब का वेखदा भी लखा नाल जस्सी ते नाल अमन थिगली ते नाल धालीवाल बेट जिला कपूरथला का नौजवान यह है कुलदीप मणक। सामने ढिलवा पिंड है, अमरीक बुढ़े का पिंड है, दुनिया के महान कबड्डी खिडारी हरवंस लाल कुगे डेंजर का पिंड है। हट जाओ, उधर अपील करता नौजवान रेडर। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं पुत्रा, कोई गल नहीं, बस हो जाता है। मैरी पूरी आ भी, तू भी इस वे तेरे ते भी मार है कबड्डी नूं। लो दूसरे पासे फिर बड़ी तेजी दे नाल हट जाओ, पिछे छड़ जाओ राह नौजवानों, मुड़ो निकू देख इधरले पासे, सामने काले मियां मिंडिया की पई हुई कबड्डी के उपर चार जोधियां विचों कौन जिहड़ा हुण जफा लाउंदा, कौन कहिंदे हुंदे आ वी जंड वाले बाजी वांगू गुट फड़दा है, या पुराने कबड्डी खिडारी कृपाल, आओ देखो फड़ लिया गुट, कोई सीधा गुट फड़दा मनप्रीत भेटा वाला है बई। इत्थे हुण जान कुड़की विच फसी होई है, चांस जिहड़े रेडर दे ज्यादा लगते ने, पर मुंडे की पकड़ के पा समा जिहड़ा है स्वाद आ गया है। यह है मनप्रीत भेटा, जिला कपूरथला का गभरू, बहुत ही प्यारा खिडारी, इंटरनेशनल लैवल का खिडारी है। उधरे पासे बिल्कुल अगली कबड्डी की तैयारी हो चुकी है, हर जो पिछे सर्कल स्टाइल कबड्डी इसे करके तो प्यारी लगती है कि हर 10-15-20-25 सैकंड बाद एक नवा मुकाबला, उधर रिजल्ट भी जड़ा है बस बहुत जल्द। अज लाटरी पा लो ना, एड आई जाती कि लोहड़ी बंपर सारा ही टब्बर चाहता भी सानू भी 2 करोड़ का निकलिया भी नाम, लोहड़ी बंपर उड़ीक करते ही जो बंदा टिकट गवा बैंदा है। और इहदा देखो हुणे गया मुंडा है, और हुणे आ गया रिजल्ट निकल गया, नवे नवा मुकाबला फिर शुरू है, आपाने का नवा पेड़ होगा, बड़ी जल्द रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि दुनिया बड़ी फास्ट हो चुकी है। हॉलीवुड दियां फिल्मां दा जिवें सीन परदे उपर नहीं टिकदा, इवें इवें रिजल्ट चाहती है, एकदम रिजल्ट जिहड़ा चाहती है। देखो सामने हथेली ते सरों जपण वाली गल है, सर्कल स्टाइल कबड्डी दे विच मुंडे ने अपने नूं बचाया कि आ पत्थर जिहड़ा मेरिया लत्तां दे विच ना फस जावे। देखो सामने मुंडा बिजली दे करंट वांगू तेज जाफी नौजवान नाल इस मैच का हाफ समा होया, बहुत बहुत मुबारक है छबे थियाड़े वीर नो, और हरखो पिंड संत महात्मा है संत बाबा ज्वाला सिंह जी, चंचू प्राप्त धरती है, भागा वाले हो तुसी, इसी तरह तरक्कियां होंदिया रहन। मैं अपील करता है, लख लख वधाई दिंदा होया मक्खन अली जी नो कि वह माइक ते आउणगे और फिर कबड्डी की गल करनगे। इस समय जो अंकां दा वेरवा वह जरूर नोट करना है, चढ़दी कला कबड्डी क्लब के पॉइंट ने 14, मीरी पीरी कबड्डी क्लब नॉर्थ मक्का के पॉइंट ने 16-19-21 के फर्क नूं थोड़ा फर्क मन्निया जाता है, क्योंकि 2 अंकों का फर्क होंदा है, इत्थे 19-21 ते है नहीं, 14-16, पर यह भी फर्क उहीओ फर्क है जो 19-21 का फर्क होंदा, थोड़ा फर्क है। सुआओ माइक के उपर मखण अली, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद, जींदे रहो वसदे रहे कुक वसदा रहे नगर, इसी तरह माँ खिड़ कबड्डी जिंदाबाद, अणखां दे सरनामे दसदी रहे कबड्डी, बस दिरण पंजाबी बसदी रहे कबड्डी।